हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एनआईडी की जो प्रीलिम्स है इट्स नॉकिंग। आई होप यू हैव डन योर प्रिपरेशन वेल। एंड एनआईडी के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड जो भी इनके सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एनआईडी मेंस किसी ना किसी तरीके से दे विल टेस्ट योर ऑब्जर्वेशन स्किल। एंड ये ऑब्जर्वेशन स्किल एक आपके डेली लाइफ के थ्रू ही आते हैं, जो आप आसपास देखते हो इन डेली बेसिस। कभी वो स्पून एंड फोक हो सकता है, कभी एक वाटर बॉटल की शेप एंड साइज हो सकता है। द मेजर थिंग दे वांट टू चेक दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स और नॉट। तो अच्छे से अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, इस सारे चीज़ों को एक बार उसकी मेजरमेंट हो, उसका ड्राइंग हो, ये सब चीज़ प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, जान लेना, वो कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड जैसे हम लोग के क्रैश कोर्स में हो रहा है थोड़ा सा, जो जेस्चर ड्राइंग एंड फिगर ड्राइंग के बारे में हम लोगों ने बोला है, ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग के बारे में हम लोगों ने बार बार बोला है, बिकॉज ये एक बहुत मेजर पार्ट है एनआईडी के। अब एक बार समझ लेते हैं कि द सैम्पल पेपर दे हैव गिवन, इन दिस सैम्पल पेपर जो भी मैं ये बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन एंड ऑल, ये कितना आगे आता है, कितना क्या समझ में आता है कि क्या वो लोग एग्जैक्टली मांग रहे हैं। यहाँ पे ये सारे ऑब्जर्वेशन से लेके एवरीथिंग आते हैं। ये तुम्हारे स्किल ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, नॉलेज का सिर्फ नहीं। तो इसमें इन लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन पूछा है। जो पहला क्वेश्चन है वो सम सॉर्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूशन है। एक पैटर्न ड्रॉ करके दिया है, इस पैटर्न को वो दिए हुए स्क्वायर बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना है। ये प्योरली ऑप्टिकल इल्यूशन है। ये क्या देखना चाहता है? ये देखना चाहता है हाउ मच यू कैन ग्रैब अ पैटर्न एंड यू कैन मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड टू प्लेस इट प्रॉपरली। ये टेस्ट क्यों लिया जाता है? बिकॉज जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना, वी डेवलप डिज़ाइन फ्रॉम वेरियस नेचुरल पैटर्न्स, शेप एंड फॉर्म। वो आपको कितना स्ट्राइक कर रहा है, कितना आप याद रख पाते हो एज ए डिज़ाइनर, वो चेक करने के लिए ही इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव, जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एनआईडी में पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे किचन का सीन देखे, एक पॉइंट मार्क कर दिया गया है, बोला है कि वहाँ पे 3 साल का बच्चा खड़ा है, और 3 साल के बच्चे इस किचन को कहाँ से कैसे दिखेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। आप सोचोगे अरे ये तो फिर किचन बना के ही दे रहा है, वही बनाना पड़ेगा शायद। ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो किचन दे रहा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल उस पोजीशन से ड्रॉ नहीं किया गया जिस पोजीशन में वो एक्स है। इस किचन जब ड्रॉ किया हुआ है, जो किचन दिया हुआ है ड्रॉ करके, उसकी जो व्यूइंग एंगल है वो डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है। एंड ये किचन देख के समझ में आ रहा है ये किचन है कम्प्लीटली 5 फीट अबव पर्सन के आई लेवल से बनाया गया है, बिकॉज इसकी जो अपर सेल्फ है वो ऑलमोस्ट उसके आई लेवल पे है। सो एक 3 साल का बच्चा जो है, 3 साल के बच्चे के हिसाब से अगर हाइट लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना चाह रहा है वो लोग आपके पास, ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, एक 3 साल के बच्चे का जनरली हाइट कितना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। फर्स्ट, दिस ड्राइंग आई हैव सेड इट इज नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल एंड नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाइट, इट इज़ अ डिफरेंट एंगल एंड हाइट इज 5 फीट अबव। नाउ 3 ईयर्स बॉय या 3 ईयर्स चाइल्ड विल बी इन अ हाइट ऑफ 3 फीट, 3 to 2 inch, 3 to 5 inch, इज लाइक दैट। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ हाइट। नाउ इफ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग इन दैट फॉर, नाउ जनरली जो किचन सेल्फ है वो 2.5 फीट इस हाइट का ही होता है, मैक्सिमम थोड़ा सा ज़्यादा तो हम लोग 2.5 फीट को लेके चलते हैं। सो एक बच्चा जब 3 फीट के खड़े है तो उसका सर जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है, इफ़ यू नोटिस। तो ये जब उस चीज़ को देख रहे हैं, अगर 3 साल के बच्चे उसको देखेंगे तो सर उठा कर देखेंगे, तो दैट विल बी द एंगल। सो ये सेल्फ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अब जब जहाँ पे वो दिखा रहा है तो बंदा ये अपर सेल्फ के आसपास उसके आई है, यहाँ पे इसके आई लेवल यहाँ पे है। सो ये टोटल आई लेवल है, दैट हैज़ चेंज्ड। तो ये एक्चुअली यही देखना चाहता है कि आप आई लेवल को इमेजिन करके उसको ड्रॉ कर पाते हो कि नहीं। सो जब 3 फीट के हाइट के बच्चा या 3 साल के बच्चे के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, देन होल ड्राइंग विल कम लाइक अ अबव द आई लेवल पर्सपेक्टिव ड्राइंग। नाउ इन दिस ड्राइंग जिसने दिया है उसमें थोड़ा सा भी अबव द आई लेवल नहीं है, यहाँ पे बिलो द आई लेवल है एंड आई लेवल है।
तो समझ में आ रहा है कि पूरा पोजीशन ही चेंज हो जा रहा है। तो जो चीज़ उन लोगों ने आई लेवल एंड बिलो द आई लेवल पे दिखाया है वो पूरा नीचे से ऐसे अबव द आई लेवल हो गया। सो दिस शिफ्ट यू हैव टू डू इन योर ड्रॉइंग एंड दैट इज वॉट एन आई डी वॉन्ट टू टेस्ट। सो अभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से एनालिटिकली दिमाग में एक बार समझ लेना कि हो क्या रहा है वहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों ने एक स्टोरी दिया है एंड स्टोरी के बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन करना है एंड स्टोरी का नाम देना है। अब समझना जरूरी है इसमें वो लोग क्या चेक कर रहे हैं। पहली बात है कि जब मैं क्रैश कोर्स में बार बार फिगर ड्राइंग की बात कर रहा था इसलिए कर रहा था, जैसे यहाँ पे कोई बोल नहीं रहे कि फिगर बनाओ, बट जब तुम स्टोरी बोर्ड बना रहे हो, एक बंदा पेड़ के नीचे सोया हुआ है एंड ऑल, तो जेस्चर से स्टार्ट करके सारे चीज़ें आएगा, उसके एक्सप्रेशन दिखा सकते हो एंड ऑल। इसीलिए मैं क्रैश कोर्स में बोला था कि फिगर ड्राइंग के ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एनआईडी के एग्जाम पे भी ये सब यूज़ हो जाता है लगता है। और दूसरी बात है कि जो एक स्टोरी का नाम लिखने के लिए बोला है, डोंट टेक इट लाइटली। क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट हो रहा है वहाँ पे कि इस स्टोरी को समझ के उसके ड्राइंग के साथ और उसकी जो कैप्शनिंग कर रहे हो, नेम दे रहे हो, उसको किस तरह से आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो, इससे आपके टोटल प्रेजेंटेशन का सेंस आ रहा है समझ में। तो ये चेक कर रहा है, तो ड्राइंग चेक हो रहा है इस पर आपका फिगर ड्राइंग, इसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग चेक हो रहा है एंड ओवरऑल जो ड्राइंग एंड राइटिंग मिला के आपकी जो सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी चेक हो रहा है। डिज़ाइन प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आता है कि आपको 5 यूज़ दिखाना पड़ेगा ओल्ड बल्ब के। इस क्वेश्चन में भी लिखने का पार्ट आया है। नाउ ये क्वेश्चन को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हो कह रहा है यहाँ पे, एक्चुअली दे वांट टू सी दैट आपका जो डिज़ाइन डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग या आइडिएशन वो कितना स्ट्रांग है। ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो क्वेश्चन आता है उसमें बोला गया कि ट्री ने अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट किया है जिसपे वो अपने आप को कट होने से रोक सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस में ये चीज़ चेक होता है कि आपके अंदर जो कार्टून बनाने की, एनिमेशन बनाने की, ये उस तरह का जो आइडिएशन क्रिएट करने की एबिलिटी कितना है। अब ये कार्टून मीन्स मैं कार्टून की तरह ड्रॉ नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली हम लोग जब सुपर हीरोज़ भी देखते हैं वहाँ पे बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, बहुत तरह का चीज़ें होता है जो नेचुरल चीज़ें नहीं है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दिखा हुआ चीज़ें नहीं है, उस वक्त इमेजिनेशन यूज़ होता है। सो एक कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कंप्लीट इमेजिनेशन। अब देखो पहले जो कम्युनिकेशन की बात मैंने किया था वहाँ पे एक नेचुरल स्टोरी था, एक इंसान सोया हुआ है एक ट्री के नीचे, वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं था जहाँ पे आप कुछ ऑड बना रहे हो। यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से ट्री का शेप बनाना है, आपको दिखाना है कि ट्री अपने आसपास कैसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, ये सब। तो ये एक आप एनिमेशन की पार्ट समझ सकते हो, उस तरह का स्किल एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है वो समझ सकते हो इस पर। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का एक लाइन दे दिया गया है। अब बोला गया कि एक पोस्टर बनाओ बेस्ड ऑन दिस। ये जो पोस्टर है ये कुछ हद तक एक क्रिएटिव पोस्टर की पार्ट होता है। व्हाई आई एम सेइंग क्रिएटिव पोस्टर, कि ये कोई कैंपेन या प्रोडक्ट के पोस्टर, ये कमर्शियल पोस्टर नहीं हो रहा है, ना कि ये सच पूरा सोशल पोस्टर हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका जो आइडिएशन होता है डिज़ाइन की उसका एक टेस्ट होता है एंड उसके साथ ये देखा जाता है कि जो कैप्शन ये लोग देने के लिए बोल रहे हैं, जिस तरह से ये लोग पोस्टर का फॉर्मेशन करने के लिए बोल रहे हैं, आप पोस्टर की सारे पैटर्न फॉर्मेट को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एक पोस्टर हम लोग बनाते हैं उस पोस्टर में 3 पार्ट होती है, टैगलाइन होता है, स्लोगन होता है और एक इंफॉर्मेशन लाइन होती है, जो इशूड बाय पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑल सम सॉर्ट ऑफ। बट यहाँ पे एक कंटेंट दिया है, एक सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद बोला है कि राइट अ टैगलाइन। तो हम लोग स्लोगन को और इसको जो इंफॉर्मेशन लाइन है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों ही चल सकता है बट पर्पस अलग है। अगर आप सिर्फ टैगलाइन दे रहे हो तो टैगलाइन शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी इनोवेटिव और उसके साथ साथ जो सपोर्टिव ड्राइंग्स है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, देन इट विल बी कंसिडर द क्रिएटिव पोस्टर। दूसरी बात, अगर आप उसको नॉर्मल पोस्टर की तरह ले रहे हो तो टैगलाइन तो दिया, उसके साथ
जो उसकी इंफॉर्मेशन लाइन है और स्लोगन है उसको भी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा सो दैट वो टोटली एक पोस्टर ऐसे बन सकता है कि इशूड बाई पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑल, बट जो सब्जेक्ट दिया है वो इशूड बाई पब्लिक इंटरेस्ट में तभी बन सकता है अगर जब आप फ्री एजुकेशन की बात है। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे NID ने बीच में छोड़ दिया है। बट जिस सेगमेंट को आप करोगे उस फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करना जरूरी है। तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें टेस्ट हुआ है इस बार जो सैम्पल पेपर NID ने दिया है। इसकी जो सेकेंड सेटअप है जो प्रैक्टिकल का सेटअप है, पहले इन लोगों ने एक ऑप्टिकल इल्यूशन दिया जिसमें लोग ये टेस्ट कर रहे थे कि हाउ मच यू कैन होल्ड अ पैटर्न, योर कैपेसिटी टू होल्डिंग अ पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग एंड पैटर्न एंड रिप्रेजेंटिंग इट अगेन। देन दे हैव गिवन अ टेस्ट फॉर पर्सपेक्टिव सेंस, आई हैव एक्सप्लेन दैट कि उसमें किस तरह से क्या काम करना पड़ेगा। देन इलस्ट्रेशन, वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन का पार्ट हो जाता है। देन इट्स आइडिएशन, जो पांच बल्ब वाली बात होती है तो उसका फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट की पार्ट आ जाती है। उसके बाद आया एक इनोवेटिव ड्राइंग, जो बेसिकली हम लोग एनिमेशन इस तरह के काम पर यूज़ करते हैं, जो ट्री के साथ काम इन लोगों ने बोला था। उसके बाद आया ये जो पोस्टर मेकिंग है। तो एवरीवेयर दे आर यू टेस्टिंग योर फिगर ड्राइंग, योर कंपोजिशन सेंस, योर पर्सपेक्टिव, योर इमेजिनेशन एंड योर ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग प्रिपरेशन के टाइम पे क्या करते हैं कि ऊपर के वर्ड्स को ले लेते हैं कि पोस्टर बनाना है, इलस्ट्रेशन करना है एंड ऑल, बट इसके अंदर करना क्या होता है? ये तो ऊपर की लाइन हो गई ना। जैसे पोस्टर में भी आपको क्या चाहिए होगा? फिगर चाहिए होगा। पोस्टर पे भी आपको एक बैकग्राउंड बनाना है जो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल से आएगा। देन कैप्शन तो है ही है, सो वहाँ पे आपका क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट हो गया। बल्ब जो है उसमें भी आपको बल्ब अल्टीमेटली ड्रॉ करना है, आपको आइडिएशन करना है, तो वो भी ड्राइंग की पार्ट आ गई। वहाँ पे पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि बल्ब को किस एंगल पे, किस पोजीशन पे आप दिखा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए। देन ट्री जो है, ट्री इज़ अ कम्प्लीटली ड्राइंग एंड इमेजिनेशन की चेक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो इलस्ट्रेशन है उसमें फिगर ड्रॉ करना है, वो सब ड्रॉ करना है। तो घूम फिर के जो चीज़ें हैं वो आपकी ड्राइंग, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सराउंडिंग इसमें ही आते हैं। उसके साथ साथ आप थोड़ा जो क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग है और डिज़ाइन डेवलपमेंट है, इन सब की बात होती है। आपको अगर इवेल्युएट करना है अपना काम, सो यू कैन DM अस, वी कैन सी योर वर्क एंड वी कैन कमेंट। एंड अगर और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर NID। अगर अपना समझते हो तो व्हाट्सअप करके बताना एग्जाम कैसा गया, या DM करके भी भेज सकते हो जो काम हम लोगों ने किया एग्जाम पे। अगर जो काम किया एग्जाम पे अगर याद है, DM करके भेजोगे इमीडिएटली घर आके, तो हम लोग अपने तरीके से अपना जो भी ओपिनियन है शेयर कर सकते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ, कैसे हुआ है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड होप यू विल डू वेल इन NID 2022।